ओम शांति। सभी विश्व कल्याणकारी दीर्घायु हिम्मती आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। अंतर्मुखता निर्वाण मौन शांति में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है। इसके विपरीत रोष, रोग, क्रोध, गुस्सा, विकार आदि भूतों से कितना नुकसान होता है, व्यर्थ बढ़ता जाता है। इसका अनुभव तो है ही सभी को। तो कैसे करें इन भूतों को वश में, भूतनाथ शिव बाबा आज हमें समझाते हैं। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए और स्वयं में रूहानी बल भरने के लिए सुनते हैं 28 जून 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। अंतर्मुखी बनो माना अब अपना ध्यान अंतर जगत की तरफ हो, अंतर की तरफ हो, आत्मा की तरफ हो, खुद की तरफ हो। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन सब जरूरी है। बाबा कहते हैं हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। शांति के कार्य करेंगे तभी तो शांति अनुभव होगी ना, और सबको शांति चाहिए। अशांति के कार्य करेंगे, अशांति फैलेगी तो कहेंगे दुख है, अशांति है। इसके विपरीत बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो, चुप रहो, मुख से बोलो नहीं, ज़्यादा वाचा में नहीं आओ, जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, है ना। बाबा ने स्लोगन दिया है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और ज़रूरत नहीं है तो अब तो बिल्कुल मत बोलो, ये भी जोड़ लेते हैं। समय का तकाजा भी यही है, समय भी अभी यही कहता है जितना चुप रहें उतना अच्छा है। तो हर कार्य शांति से करना है। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? माला माल से कैसे कंगाल हो गए हम, खुशहाल से कैसे बदहाल हो गए? उत्तर में बाबा बताते कौन है सबसे बड़ा दुश्मन, क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध अग्नि कहा जाता है ना, तो अग्नि में तो पानी सूख जाता है। तो कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इतने धनवान थे लेकिन क्रोध के कारण क्या हो गए, कंगाल हो गए। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है, इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। कोई क्रोध करता है माहौल कैसा हो जाता है ना, क्रोध करने वाले को भी नहीं अच्छा लगता और आसपास जो सुनता है उसको भी अच्छा अनुभव नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं इस भूत को निकालना है, लेकिन कैसे निकालेंगे, जब अंतर्मुखी बनेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे, खुद को जानेंगे, खुदा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तभी हम इन भूतों से छुटकारा पा सकते हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मन मना भव। गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब काम काज करते, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है। मुझे याद करो, यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं ना घरों में क्या हाल हो रहा है, हाँ, क्रोध का ही तो नतीजा है ना। तो बाबा कहते हैं क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना है।
बाबा कहते हैं वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, यह तो बच्चों को बताया है, शांति का सागर एक बाप ही है। बोलते ही रहेंगे तो शांति का अनुभव कैसे होगा? चुप रहेंगे, शांत बैठेंगे, तब तो शांति का अनुभव होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं हमको शांति चाहिए, या तो बच्चों को बताया है शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है, ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता, बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए, लड़ाई आदि करना यह सब क्रोध है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं, यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वह तो क्रोध करेंगे, क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। एक क्रोध करे, दूसरा चुप हो, तो बात थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी, लेकिन क्रोधी के साथ दूसरा भी क्रोध करे तो बात बढ़ती जाती है, लड़ाई हो जाती है। बाप समझाते हैं यह बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए, मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, यह बहुत नुकसान कारक है, विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है, क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। बाप है हमारा शांति का सागर, और हम अशांति फैलाएंगे, क्रोध करेंगे तो बाबा का नाम खराब होता है। इन भूतों को भगाना है, एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए यह भूत होंगे ही नहीं, एक बार भगा दिया तो 2500 साल फिर एकदम बाबा कहते हैं ये भूतों से बच जाएंगे। यह पांच विकार अभी फुल फोर्स में है, अभी तो तीव्रता है ना, तीव्रतम है अभी तो। ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है, यह आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है, जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध यह दोनों बड़े दुश्मन हैं, क्रोध वाले याद कर ना सके, गुस्सा ही होते रहेंगे, जोश में रहेंगे तो बाबा को कैसे याद करेंगे, बाबा को याद नहीं करते तो क्रोध और बढ़ता जाता है। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे, अपने दिल से पूछना है हमारे में भूत तो नहीं है, मोह का भी लोभ का भी भूत होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब क्या है, भूत है ना, लोभ का भूत भी कम नहीं, यह सब भूत है क्योंकि रावण सेना है। हाँ, एक के पीछे एक भूत आ जाते हैं। काम होगा, काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध आएगा, लोभ है कोई चीज चाहिए नहीं मिलती तो फिर क्रोध आता है, मोह है जिसमें मोह है वो हमारा नहीं सुनता है तो फिर क्रोध आता है, और अहंकार तो देखो है ही कितना बड़ा, अहंकार की तृप्ति नहीं होती तभी तो क्रोध आता है ना। तो सब आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं और एक के बाद एक सब आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये रावण सेना है, ये ऐसी सेना है जिसमें एका बहुत है, जहाँ एक रहेगा वहाँ सब आ जाते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बचना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना, भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा है, बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाह्य मुक्ता, हाँ, बाह्य जगत की तरफ मुख होगा, माना बाहर की तरफ ध्यान होगा तो अपने आप को आत्मा कैसे समझेंगे। बाप जोर बहुत लगाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं, और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए फिर बाबा ने कहा ना कि बाबा के कर्तव्यों को याद करो, उनकी महिमा है वो याद करो, इसलिए बाबा की महिमा वाला चित्र बनाया गया।
बाबा कहते हैं ऐसे याद करो, वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, जन्म मरण से न्यारा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से याद करो। तो उनको समझाया जाता है जो कहते हैं कि कैसे याद करें, कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। तो बाबा कहते हैं उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो वह बेहद का बाप है, मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, कोई भौतिक रूप से तो कोई चीज है नहीं, बाबा कहते कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड, कौन कहता है? अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर याद करते हैं, कौन कहता है? आत्मा कहती है, अपने बाप को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, मन मना भव, मीठे मीठे बच्चों अंतर्मुख होकर रहो, या जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। हाँ, अब तो देखो सभी साइंटिस्ट भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, कब खत्म होगा, डेट्स भी आ रही हैं। बाबा कहते हैं या जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती है, आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले, बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते, सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करें वह नहीं है। कहीं भी रहे शांति से बाबा को याद करना है बस, वो तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो ना सके, बेचैनी होती है ना, फिर दैहिक आकर्षण ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि किसी की देह से प्यार हो गया, किसी से प्यार हो गया जिस्मानी प्यार, तो फिर शांति तो अनुभव कर ही नहीं सकते हैं, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं, मनुष्यों में हैं 5 भूत, कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है, इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है, वह तो करके एक भूत होता वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं यह 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है, कोई एक आध हो तो फिर भी समझ में आए। बाबा कहते हैं यहाँ तो इस समय सभी के अंदर 5ों भूतों की प्रवेशता है, इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध, बाप आकर भूतों को भगाते हैं तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना, वह भूत प्रेत भगाते हैं मिलता कुछ भी नहीं। देखो लौकिक में भी कोई ओझा तांत्रिक को बुलाते हैं, भूत झड़वाते हैं तो उनको कुछ देते हैं ना, बाबा को क्या मिलता है? यह तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने, अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है, देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कुछ नहीं होता, लोभ का भूत भी कम नहीं, लालच के कारण देखो क्या क्या नहीं कर लेते हैं, खाने पीने का भी लोभ होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि लोभ का भूत भी कम नहीं, यह अंडा खाऊं वह खाऊं, हाँ बहुतों में भूत रहते हैं, अपने दिल से समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है, अपने अंदर के भूत तो सबको पता है ना। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं, देह अभिमान में आने से दिल होती है भागी पहनूं यह करूं, हाँ बॉडी कॉन्शियसनेस होता है तो लगता है ना कि किसी को गले लगाएं, भागी पहने, छूने का, पकड़ने का, भाकी पहनने का,
चिपकने का, गले लगाने का, इस तरह से दिल होता है। तो बाबा कहते हैं फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यह हाल है, क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। हाँ, उन कैदियों से पूछो तो कहते हैं ना कि सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हमको क्रोध आया और देखो हमारा जीवन बर्बाद हो गया। तो यही है, बाबा कहते देखो कैसे कैसे केस होते हैं, इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। कैदी कहते हैं ना कि यदि उस थोड़े से समय हम कंट्रोल कर लेते तो आज हम अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते, लेकिन देखो क्रोध के कारण क्या हाल हो गया भारत का। सारे ये भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबके कारण, भूतों के कारण। तो भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। अब किसी घर में अशांति है, क्रोध है, लड़ाई झगड़ा है, उस घर का पानी कौन पिएगा? तो जैसे कि मटका सूखा हुआ है ना, और क्रोध अग्नि में तो वैसे ही सूख जाएगा। खुशहाली चली जाती है, मना घर में रौनक नहीं है, खुशी नहीं है, और खुशी नहीं है तो बरकत भी नहीं है। ऐसे धन धान्य पैसे का क्या फायदा यदि घर में खुशी नहीं है तो, जैसे कि कंगाल है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह पांच भूत बड़े जबरदस्त हैं, आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है, इस समय तो बात मत पूछो। हाँ, अभी तो तांडव कर रहे हैं ना भूत। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना, पांच भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं, भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं, भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है, यह अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है, बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज जी गीता हमेशा साथ में रखते थे, पढ़ते थे, और नारायण का चित्र भी जेब में रहता था, पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी, मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी, इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूँ। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो, हे भगवान आओ लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं, इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? आत्मा काली तो गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। चमड़ी भले ही सफेद हो, लेकिन आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना नशा कितना रहता है, गोरी चमड़ी का नशा। एक हंसी की बात है ना, तो एक बार अफ्रीकन थे और एक बार इंडियन, अफ्रीकन और अमेरिकन एक साथ बैठे रहते हैं, तो वो चर्चा होती है, बोले हम सुंदर, वो बोले नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा है, हम सुंदर हैं, सब अपने को कहने लग गए। तो इंडियन बोलता है देखो तुम्हारी तो बहुत गोरी चमड़ी है, अमेरिकन को माना जैसे कि तुम बिल्कुल कच्चे पकौड़े, पकौड़ा क्यों कम तलो तो सफ़ेद रहेगा ना, तो कच्चे पकौड़े। और अफ्रीकन को बोला तुम तो काले हो, जैसे कि जल गए, तो जले हुए पकौड़े। और हमारा देखो एकदम गेहुआ रंग, गुलाबी रंग, जैसे कि बिल्कुल परफेक्ट सिकाई है। तो सबसे अच्छा कौन है? इंडियन। हाँ देखो कैसे कैसे सब युक्ति रचते हैं अपने आप को प्रूफ करने की, सबको अपना नशा है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, फेयर एंड लवली लगाने से बनेगी। हाँ भैंस को लगा के देखो, लेकिन फेयर एंड लवली लगाने से नहीं, फेयर एंड लवली बनना है।
तो मनुष्य को यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं वह है नास्तिक, जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। खुदा को खुदा के द्वारा जानना, खुद को और खुदा को खुदा के द्वारा जानना, जो जाने वो है आस्तिक। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है, इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो बल हो गया जिस्मानी मारने लिए। हाँ, बाहुबल है, धन है, लैंड है। हाँ, कहते हैं ना कि अभी धरती पे कहीं स्वर्ग है तो अमेरिका में है, है? असली स्वर्ग की भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये बल कैसा है, जिस्मानी मारने लिए, बुद्धि में है हम विजय पाए। तुम्हारा तो है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर। बल इतना है, लेकिन देखो सब कर्मेंद्रियों के गुलाम कितने हैं, पूरी दुनिया ही गुलाम है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो रूहानी बल है, तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। खुद का दर्शन किया आत्मा ने पूरे कल्प में, कब क्या थे तो अपने विकारों को खत्म किया है ना। ये चक्र है, ज्ञान चक्र है। ज्ञान से अवगुणों का, भूतों का सफाया किया है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई हिंसा की तो बात नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। हाँ, क्या हाल बना रखा है, हालत देखो अपनी। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। है, कितनी भक्ति करते आए, लेकिन देखो भूत तो और बड़े होते गए। तो अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया। हाँ, कोई से दिल लगाई, कोई से भाकी पहनी तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। बाबा को ऐसे बच्चे नहीं पसंद है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे, तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है, भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी न आए तब ऊंच पद पा सकते हैं, इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे। अष्ट रत्न जो बिना सजा खाए जाएंगे, पास विद ऑनर, उनको ही प्राइज मिलेगी, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना। तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं, कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं।
तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। हर मनुष्य मात्र में भूत जरूर है। आज तो बाबा मास्टर भूतनाथ बनाकर ही रहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं है, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते नहीं है। रावण कौन है? हाँ, रुलाने वाला है, विकार हमारे, हमारी कमजोरियाँ। तो तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। ये चक्र कितनी बार रिपीट हो चुका है किसी को भी नहीं पता। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। अब शांति में रहें कैसे? शांति में रहेंगे तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो शांत रहेंगे। लेकिन शांति में रहें कैसे? जब शांति के सागर में समाए रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, तभी शांत रह सकते हैं। तो बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। बाबा में समाए रहो और बाबा जो कहे बस वही कहना मानना है, वही करना है। तो बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। बाप की शिक्षाएं हैं शांति के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है? आँखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं? जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है? लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है? दूसरा, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाप दादा समझाते हैं, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। कल भी कहा ना बाबा ने, हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलेगी। तो ये विधान है, ये विधि है कि एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। हाँ, बाबा कह रहे हैं यदि यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। अब जो हिम्मत करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा, उसको मदद मिलेगी, वही राजा बनेंगे। सब बच्चे हिम्मत करते नहीं, इसलिए सब राजा बनते नहीं। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। जितनी हिम्मत उतनी मदद, उतना ऊंचा पद। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। कोई कहीं भी रहे, घर पे, सेंटर पे, बाबा कहते हैं लेकिन अधिकार समान है सबको, लेकिन विधि से सिद्धि है। जितनी विधि से चलेंगे, जितनी विधि का पालन करेंगे, उतनी सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, तो आलस अलबेलापन छोड़ना है। ये नहीं कि हम तो हैं ही बाबा के, बाबा तो हमें मदद करेंगे। नहीं करेंगे, जब तक हम हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाएंगे, बाबा कहते हैं मैं मदद नहीं देता हूँ। तो इस विधान को समझना है पहले और हिम्मत का कदम बढ़ाना है, फिर बाबा तो बंधा ही है मदद करने के लिए।
फिर तो फर्स्ट डिवीजन में आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बाबा तो खुद हमें तरीका बता रहे हैं कि नंबर वन बनो। स्लोगन, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। कल भी था ना, व्यर्थ और नेगेटिव ना हो, विश्व कल्याणकारी संकल्प होने चाहिए। तो संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी हो, मतलब व्यर्थ संकल्प ना हो। संकल्प भी व्यर्थ नहीं करना है, सदा पॉजिटिव, शुद्ध और समर्थ संकल्प हो। समय, श्वास, शक्ति सब बचानी है ना, संकल्प भी बचाना है। मित व्ययिता हो, इकोनॉमी, हाँ मित व्ययिता हो, अपव्यय नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा ने हमें इतनी अच्छी समझानी दी। तो आज की मुरली से 5 स्वमान, कौन है हम? मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, अंतर्मुखी। दूसरा, मास्टर भूतनाथ, कौन हूँ मैं? मास्टर भूतनाथ। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी। चौथा, फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी, कौन है हम सब? फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी। और पांचवा, इकोनॉमी के अवतार, इकोनॉमी के अवतार। ओम शांति। बाबा है खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर।